वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स देखो हम एज यूजल तो मेरे लास्ट वीडियो था जिसमें तो मैंने एक वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट खत्म करी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वैसे ही कुछ रिक्वेस्ट थी मेरे पास तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की भी एक वीडियो मैंने पूरी यूनिट खत्म की है एंड अब मेरे पास कंप्यूटर बच गया था तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल तो इस वीडियो में भी मैंने पूरी एक यूनिट फिनिश कर दी है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा एंड पूरी यूनिट कवर भी हो जाएगी ठीक है सो इस यूनिट में विच इज़ यूनिट फोर लास्ट यूनिट है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो सीरीज़ बहुत पसंद की जा रही है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना लाइक कर रहे हो उसे ठीक है आज का टॉपिक हमारा है एम एस ऑफिस का सूट देखो बेसिकली क्या है इसमें एम एस वर्ड भी पढ़ना है एक्सेल भी पढ़ना है पावर पॉइंट भी पढ़ना है और एम एस एक्सेस भी पढ़ना है ठीक है तो अभी खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें ठीक अब एक एक ऑप्शन को समझाना इज कम्प्लीटली वर्थलेस क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है आप खुद करके देखो कंप्यूटर में लैपटॉप में वेयर सो एवर सो आपको वो समझ कि क्या ऑप्शन क्या करता है क्या नहीं अब उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना इज़ नेवर दिल इज़ नन ऑफ योर यूज़ थोड़ी चीज़ें जो आपको यूज़ करके प्रैक्टिकली नहीं समझ आएंगी वो थ्योरी में पढ़ा दे रही हूँ ठीक है बाकी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख जरूर लेना ठीक Microsoft Office है वेन टू टॉक अबाउट एम एस ऑफिस इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये चारों चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हैं जब एम एस वर्ड की हम बात करते हैं तो एम एस वर्ड जिससे हम वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं टेक्स्ट प्रोसेसर भी बोलते हैं या फिर टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं काफ़ी कुछ ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं जो भी कुछ लिखते हैं उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं मधर उसका फॉन्ट हो कलर हो स्टाइल हो स्पेसिंग uh, हो इंडेंट हो एनी मतलब हम उसे फॉर्मेट कर सकते हैं ठीक तो uh, क्या पहले से नहीं था ऑब्वियसली था पर एम वर्ड ही क्यों एमएस वर्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो बिगेस्ट और मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम फॉर्मेटिंग बिना रीटाइपिंग के कर सकते हैं मतलब हमने जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एक बार में अब मुझे वन टू थ्री फोर का फॉर्मेट चेंज करके बुलेट्स लगाने हैं ठीक है थीके? इसको अंडरलाइन हटा के इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है ठीक है यहाँ पे इसको डबल अंडरलाइन की बजाय मुझे यहाँ का इस पर फोन स्टाइल ही चेंज करना है तो मुझे कुछ भी दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट एंड चूज वर्ड्स एवर आई वॉन्ट टू डू सो यही एडवांटेज है एम एस वर्ड के साथ जो पहले वर्ड प्रोसेसर थे उनके साथ नहीं था ठीक है इसका एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी एक्स या फिर डॉट डॉक ठीक है दोनों में से कोई भी इसका एक्सटेंशन मतलब फाइल सेव करो तो वो लिख के सेव करो तो वो एमएस वर्ड की फाइल होती है ठीक है एंड देखो इसमें बेसिकली uh, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा लाइक like कि जो नया मेन्यू आया है पहले हम उसे मेन्यू बोलते थे कि जिसमें आ, आ, अलग अलग टूल्स थे लाइक होम टैब इंसर्ट टैब जिसमें थे टैब्स और उसमें टूल्स थे उसको हम पहले मेन्यू बोलते थे बट अभी जो नया अपडेटेड आया है एम एस वर्ड उसमें हम उसको रिबन बोलते हैं और रिबन में हमारे पास सारे टैब होते हैं और टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं लाइक पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड हर चीज़ होगी बुलेट नंबरिंग स्पेसिंग इंडेंट होगा ठीक है फॉन्ट के ग्रुप में फ़ॉन्ट से रिलेटेड हर चीज़ होगी फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट नंबर व्हाट्स वेवर ठीक है बोल टाला कंडर तो अब रिबन है ठीक है रिबन के अंदर टैब्स हैं हमारे फाइल टैब होम टैब इंसर्ट टैब ठीक है और टैब के अंदर ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है ठीक अब ये हो गया है. अब जब आते हैं एम एस एक्सल या फिर स्प्रेडशीट देखो इसमें बहुत कुछ अगर बेसिकली आप पढ़ने बैठा हो तो बहुत कुछ इवन इतना भी है कि नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड समथिंग एंड टू ऐ ऐसे कुछ है मतलब तो बेसिकली वो मैंने भी याद नहीं करा है ठीक है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना का वहाँ से पढ़ लो ठीक है एंड देखो मैं बेसिकली सिर्फ नोट्स के लिए आपको बार बार इसीलिए रेफ़र करती हूँ क्योंकि अगर आप एक बार खुद से भी पढ़ोगे तो वो एक्टिव लर्निंग होगी तो आप भूलोगे नहीं ठीक है इनकेस अगर आप वीडियो से कुछ भूल गए स्किप कर गए तो आपको वहाँ वो चीज़ मिल जाएगी ठीक जब एम एस एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट की बात करते हैं एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं आपको पता है ये टेबल होती है ठीक है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज ऑल अबाउट इज एंड सेट ऑफ टेबल इज ऑल स्प्रेडशीट इज ठीक है पूरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं जब एम एस खोलो पूरा जो स्क्रीन खुल के आता है ऑप्शंस भी टैब्स भी फंक्शन फार्मूला सब कुछ मिला के उसको हम बोलते हैं वर्क बुक ठीक है और बाय डिफॉल्ट एक वर्क बुक में मतलब एक एम एक्सेल में तीन ही स्प्रेडशीट्स होती हैं सिर्फ तीन बढ़ानी है तो बात अलग है यू कैन आप यू कैन इंक्रीज द ट बट सी वो सिर्फ जो टेबल होती है टेबल का नाम ए बी सी डी और वन टू थ्री फुट ऊपर नीचे वाला और अंदर की टेबल हाँ। सिर्फ उस सिर्फ उसे हम वर्कशीट बोलते हैं एंड पूरा जो स्क्रीन होता है हमारा उसको मिला के क्या बोलेंगे वर्कबुक ठीक तो ये था एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल में भी इतना कुछ डिफरेंट नहीं है बस हाँ ये है कि इसमें जो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो याद कर लो लाइक like की कॉम्पोनेंट होता है इसमें सेल जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ठीक है एंड एक्टिव सेल एक्टिव मतलब जिस सेल में आपका कलसर ब्लिंक कर रहा है वो सेल आपकी एक्टिव सेल है एंड उसके बाद हमारे पास होती है नेम बॉक्स विच इज़ ए बी सी डी कॉलम का नेम एंड फिर नंबर बॉक्स वन टू थ्री फोर जो कि रो का नेम ठीक है ये सब कुछ उसके कॉम्पोनेंट्स हैं ठीक अभी हम आते हैं एम एस पावर पॉइंट या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू मेक और क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड्स स्लाइड्स के फॉर्म में ना कि पेजेस जो वर्ड में पेजेस हैं उनको आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स बोलते हैं ठीक है तो स्लाइड्स के फॉर्म में आपको प्रेजेंटेशन बनाने में ग्राफिक ऐड करने में बार हो गया ग्राफ हो गया पिक्चर्स हो गया एनिमेशन हो गया विडियोज हो गया सब कुछ ऐड करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में आपको क्या हेल्प करता है एम एस पावर पॉइंट ठीक है इसके भी ऑप्शन एंडलेस हैं बहुत कुछ है इसमें एनिमेशन है इलस्ट्रेशन है इंसर्ट uh, है ले आउट है डिफरेंट 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 स्लाइड लेआउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड शो टाइमिंग्स हैं साउंडस हैं क्लिप आर्ट्स हैं काफ़ी कुछ है तो उतना सब प्रैक्टिकली करो दैट वॉट आई प्रिफर बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है फिर भी मतलब सिर्फ थ्योरी थोड़ी में तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का ठीक है अभी आते हैं एम एस एक्सेस दिस इज़ समथिंग अ न्यू टॉपिक जो इलेवन टवेल्थ में कंप्यूटर वाले थे उनके लिए फे उनके लिए काफ़ी फेमिलियर है बट जितना इलेवन ट्वेल्थ में हमने पढ़ा है सिर्फ इसी को पढ़ा है उतना है ही नहीं इसमें मतलब आई थॉट कि कोडिंग वगैरह भी होगी बट मैंने देखा आप लोगों का सिलेबस तो जस्ट इंट्रो है जस्ट इंट्रो कोडिंग वगैरह भी नहीं है कि मतलब कैसे क्वेरी कोड करते हैं कैसे एक टेबल कोड करते हैं कुछ भी नहीं जस्ट इंट्रो की होता क्या तो एम एस एक्सेस का मतलब होता है सबसे पहली बात तो डेटा बेस की प्रोसेसिंग या फिर मैनेजमेंट ठीक है एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच अलाउज़ यू टू क्रिएट रिलेशनल या फिर रिलेटेबल डेटा बेस ताकि आप किसी भी फाइल किसी भी डेटा को ट्रैक कर सको रिकॉर्ड कर सको और फेच आउट कर सको जब आपको नीड हो तो अब एम एक्सेस को पढ़ने से पहले एक टॉपिक है हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको यूनिट टू में पढ़ा चुकी हूँ प्रॉपर कंप्लीट वीडियो पे ठीक है उसमें डी बी सब कुछ पढ़ाया है मैंने तो दोबारा से यूनिट फोर में आया तो मैं दोबारा से उतना नहीं घसीटूंगी बट जस्ट फॉर योर इंट्रो मैं आपको बता दे रही हूँ बाकी यूनिट टू का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ठीक है आई बटन में भी है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट डेटा और स्टोर्ड डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है उसको रिकॉर्ड करना उसका ट्रैक रखना उसको सेफली रखना जब ज़रूरत हो तो उससे रिकॉर्ड फेच आउट कर सकना उससे बोलते हैं प्रोसेसिंग जो हमने इनपुट किया उसको किस फॉर्म में सेव करना कैसे सेव करना कहाँ सेव करना कौन सी मेमोरी में सेव करना ये सब कुछ क्या होती है डेटा की प्रोसेसिंग ठीक है हमारा इनपुट जो हमने दिया उसको प्रोसेस करने को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम तो कई सारे होते हैं पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा चुकी हूँ बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग फाइल मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग डीबी डेटाबेस मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग सो देयर आर अ लॉट ठीक है तो अब फाइल मैनेजमेंट डीबीएमएस सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ डीबीएमएस का ही सॉफ्टवेयर है एम एक्सेस डी की एक्सेस हमें एम एक्सेस से ही मिलती है ठीक है इट एम एस एक्सेस ऑल्सो है डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ठीक है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाओ इसको समझने के बाद आपको हमें पढ़ना है एम एक्सेस तो बेसिकली एम एस एक्सेज में क्या होता है ना एम एस एक्सेज इज ऑल्सो समथिंग समथिंग सिमिलर टू एम एस एक्सल क्योंकि इसमें टेबल्स होती हैं बट बट द थिंग इज दैट वी नीड टू क्रिएट हेयर टेबल्स देन क्वेरीज देन रिपोर्ट एंड देन फॉर्म अभी देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा है एम एस एक्सल में क्या होता है टेबल जब हम टेबल कमांड देकर क्रिएट करते हैं ठीक है कोड्स देकर कमांड देकर क्रिएट करते हैं जब हम टेबल तो जब टेबल हमारी क्रिएट होती है क्योंकि एज ए फी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है एम एम एक्सेस तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे यूजली प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं बेसिकली प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं इसे अगर आप इसे कभी ओपन करोगे तो समथिंग समथिंग इसको आपको जो लेआउट है ना एट एन इंस्टेंस पहली नज़र में आपको एम एस की तरह लगेगा थोड़ा थोड़ा ठीक है जब आपने टेबल बना ली फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल बना ली लिया उसमें आपने थोड़ा सा डेटा लिख दिया डेटा um, मतलब फाइव गर्ल्स का डेटा है एंड या फिर फाइव गर्ल्स फाइव बॉयज़ टेन टेन स्टूडेंट्स का डेटा है उसमें ठीक किस है किसके कितने के सब्जेक्ट में मार्क्स आए टेन स्टूडेंट्स का डेटा है उसमें आपने टेबल क्रिएट कर लिया ना यू हैव सेव्ड इट ठीक क्वेरी क्वेरी का मतलब क्या होता है सवाल कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो सेम चीज यहाँ पे ठीक है एनी डेटा विच यू वॉन्ट टू फैच आउट यू आस्क फॉर दैट ठीक है तो आप कोडिंग करते हो क्योंकि कोड है नहीं तो मैं कोड सिखा नहीं रही हूँ ठीक है कोई मतलब नहीं है। तुम पूछोगे अगर मान लो कि तुम्हें डेटा चाहिए लाइक मान लेते हैं कि उसमें एक हज़ार बच्चों का डेटा है एंड नाउ यू वॉन्ट टू फेच आउट कि तुम्हें जैसे मान लो कि एस नेम के जो भी बच्चे हैं उनका डेटा मिल जाए तो तुम क्वेरी में लिखोगे फ्रॉम टेबल का नाम ठीक है लिख दोगे उसके बाद यू कैन से लाइक कि फेच फ्रॉम द रो फेच फ्रॉम द कॉलम रो नेम कॉलम नेम भी दे सकते हो या फिर फ्रेच फ्राम दी डेटा या इनपुट स्टार्टिंग फ्रॉम एस जो भी कुछ ठीक है अपने कोर्ड्स जो भी तुम्हारे हैं जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो डाल के तुम लिख दोगे फिर ओके okay कर दोगे कि मैंने क्वेरी दे दी तुम्हें तो सवाल दे दिया अब एक तुम्हारा उसी पेज पर पे, जब तुम क्वेरी दे रहे होे उसी पेज पर पे रिपोर्ट रिपोर्ट का मतलब जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर रिपोर्ट के फॉर्मेट में खुल के आ जाता है मतलब जो आंसर तुम्हारा खुल के आया उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं ठीक है रिपोर्ट के फॉर्मेट मैंने कि बिब्लियोग्राफी भी लिखी और ये भी लिखा है जो आंसर तुम्हारा क्वेरी का आंसर जो खुल के आए उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट मतलब जो तुमने पूछा उसका ये रिपोर्टिंग करी हमने मतलब ये आंसर हमने दिया कंप्यूटर ने आपको ये आंसर दिया ठीक है तो दैट इज नोन एज रिपोर्ट द आंसर और द डेटा फेस्ट आउट अगेंस्ट योर क्वेरी या फिर इन अकॉर्डिंग्स टू योर क्वेरी इज़ नोन एज रिपोर्ट वो रिपोर्ट होता है फिर रिपोर्ट के बाद वोट आर फॉर्म्स फॉर्म्स इज़ अ फॉर्मैट इन विच यू वॉन्ट टू व्यू द डेटा एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आप डेटा को व्यू करना चाह रहे हो अब दैट कैन बी अ फॉर्म लाइक जैसे बेसिकली फॉर्म होते हैं वैसा हो सकता है दैट कैन बी जैसा भी आप उसे फॉर्मेट करना देखो ये पूरा तुम क्या पढ़ रहे हो ये तुम पूरा टेक्स्ट प्रोसेसिंग ही पढ़ रहे हो तो फॉर्म का जैसा भी फॉर्मेट जैसा भी लेआउट तुम्हें चाहिए तुम उसके अकॉर्डिंग कोड को टाइप करो एंड यू विल गेट योर फॉर्म ठीक है तो ये था बेसिकली डी बी एम एस और थ्योरीज के लिए आप प्लीज़ नोट्स पे जा सकते हैं एंड येस yes, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का सिलेबस खत्म होता है बहुत से बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि यूनिट फोर पढ़ा दो नहीं आ रही नहीं आ रही द फैक्ट इज़ दैट कि यूनिट फोर इज़ कंप्लीटली ऑल अबाउट वॉट प्रैक्टिकल यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर ठीक है सो बेसिकली मेरा ये सजेशन है अगर आई मैं काफ़ी एग्ज़ाम के पहले आए हो तो फिर कोई बात ही नहीं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ठीक है बट हाँ थोड़े दिन पहले आयो से अ वीक अ वीक बिफोर और से टेन डेज बिफोर अगर एग्जाम से इतने पहले आयो तो आई विल सजेस्ट कि हाँ एक बारी जाने से पहले एग्जाम देने जाने से पहले एक दिन पहले आप चारों खोल लेना अपने कंप्यूटर में और चारों के एक एक ऑप्शन को एक बार विदाउट क्लिकिंग बस कर्सर रख के देखना ऑलरेडी अब तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आने लगा उसमें तो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस बटन का क्या काम है ड्रॉप डाउन मेन्यू में पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं जो नोटिफिकेशन के जरिए पॉपअप होता है उसमें तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना बाकी आई थिंक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता ही होगा जो इंटरेस्टेड रहते हैं कंप्यूटर में या फिर जो काम करते हैं एक्सेल इज एक्सेस सॉरी एक्सर जो समथिंग अ न्यू टॉपिक तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी ही है एंड कॉन्ग्रेट्स टू यू ऑल कि कोडिंग नहीं है और पाइथन भी नहीं है ठीक है बाकी सेमेस्टर्स में वो तो बात अलग है बट अभी पहली बार आया है कंप्यूटर्स तो अभी इस सेमेस्टर में पहली बार किया गया है तो अभी तो नहीं है ठीक है सो हैव आर एंड विथ यूनिट फोर एज वेल एज द सेलेबस ऑफ सेमेस्टर वन ऑफ कंप्यूटर्स सो स्टे ट्यून्ड फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन नहीं देखे इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ यहाँ होकर आ जाओ थैंक यू इन स्टेट्यून टू मी